बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉग धुंध क्या है? जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, फ़ज़ा का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है और फ़ज़ा के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर और वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ज़मीन पर नहीं आ पाते, यानी सतह ज़मीन पर नहीं घिरते, तो फिर यही ड्रॉप्स, यही वेपर्स टेम्परेचर के कम होने की वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर लटक कर रह जाते हैं। और जब इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो फिर ये फॉग की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, यानी धुंध बन जाती है। वीडियो में आप देख रहे हैं कि आज शदीद धुंध है, सड़क पर गाड़ी को ड्राइव करना मुश्किल हो रहा है, तो इन हालात में ड्राइविंग करने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, स्पीड को कम रखें और अपनी लेन में चलें, यानी अपनी साइड पे चलें। और छोटी सवारी के लिए, ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल्स वालों के लिए रिक्वेस्ट है कि स्लो स्पीड में रहें, ज़्यादा स्पीड के साथ मोटरसाइकिल को ना चलाएं और लाइट्स का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि ये जो सड़क की साइड पे लगी हुई येलो पट्टी है, इससे बाहर मोटरसाइकिल चलाएं, हेलमेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़िंदगी जो अल्लाह ताला की देन है और बहुत बड़ी नेमत है, ये एक बार ही मिलती है, इसकी कदर बहुत ज़रूरी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस शदीद धुंध के अंदर सफ़र करने से गुरेज करें, लेकिन बहुत ज़रूरी है तो अपनी सवारी, यानी आप जिस पर सफ़र कर रहे हैं उसकी स्पीड कम रखें, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और कोशिश करें, छोटी गाड़ी है तो उसको अपनी लाइन यानी साइड पे चलाएं और आहिस्ता चलाएं, ताकि अल्लाह ना करे किसी हादसा हो जाए। तो इसे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हाफिज़।